नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही और गलत में अंतर करना मुश्किल हो जाता है, और ये बात सुब्रमण्यम स्वामी पर लागू होता है। जी हाँ, ये वही सुब्रमण्यम स्वामी है जिन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष को अभी तक पानी पिला रखा है, जिसका नतीजा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना पड़ रहा है और कांग्रेस को लगातार परेशान करने का सुब्रमण्यम स्वामी को इनाम भी मिला था। लेकिन मोदी शाह से एक गलती हुई और सुब्रमण्यम स्वामी नाराज हो गए। जानकारों की माने तो सुब्रमण्यम स्वामी मंत्री नहीं बनाए जाने से काफी नाराज थे। पहले अरुण जेटली वित्त मंत्री बने, जिनका सुब्रमण्यम स्वामी ने लगातार विरोध किया। फिर अरुण जेटली का अचानक देहांत हो गया। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी को लगा कि मोदी शाह उनको वित्त मंत्री बनाएंगे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के अरमानों पर मोदी शाह ने पानी फेर दिया। फिर क्या था, छुप छुप कर खेल रहे सुब्रमण्यम स्वामी फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगे, और ये लड़ाई आज तक जारी है। और उसी का नतीजा है कि सुब्रमण्यम स्वामी को बीजेपी ने राज्यसभा नहीं भेजा। इसके साथ ही साथ अब लड़ाई घर तक आ गई है, और खबरों की माने तो सांसद रहते समय जो घर सुब्रमण्यम स्वामी को अलॉट हुआ था उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए घर को बरकरार रखने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी पहले ही इतनी लाइन क्रॉस कर दी है कि सरकार ने घर का लाइसेंस रिन्यूअल करने से इनकार कर दिया और कहा कि आप सांसद नहीं हैं, इसलिए आपको घर खाली करना होगा। फिर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट चले गए कि किसी भी तरह स्टे मिल जाए और घर बरकरार रहे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ा झटका लगा है। खबरों की माने तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया है। स्वामी को यह आवास 2016 में सुरक्षा के खतरे के इनपुट के आधार पर दिया गया था। अब सरकार का कहना है कि वह उन लोगों को आवास देने के लिए उत्तरदायी नहीं है जिनके सिक्योरिटी कवर को कुछ और वक्त के लिए बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार के वकील का पक्ष सुनने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि स्वामी ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है जिससे यह पता चले कि उन्हें क्यों सरकारी आवास की जरूरत है। सुब्रमण्यम स्वामी को जिड सिक्योरिटी कवर दिया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी को 15 जनवरी 2016 को सरकारी आवास आवंटित किया गया था। इसके लिए 5 साल की समय समाप्त हो गई थी, और उसके बाद स्वामी ने इसके टाइम को बढ़ाने की मांग की थी। इसके साथ ही साथ सुब्रमण्यम स्वामी का राज्यसभा कार्यकाल भी 24 अप्रैल 2022 को खत्म हो गया है। वह उच्च सदन के सदस्य थे, इसलिए वह सरकारी घर के आवंटन की सीमा समाप्त होने के बाद भी उसमें रह रहे थे, लेकिन अब सरकार टाइम बढ़ाने के मूड में नहीं है। इसी का नतीजा है कि कोर्ट जाने के बाद सरकार ने स्वामी का कड़ा विरोध किया और नतीजा सरकार के पक्ष में रहा। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों बेघर हो गए स्वामी। अगर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी मोदी शाह से पंगा नहीं लेते तो आज ये हाल नहीं होता। देखना होगा कि दिल्ली कोर्ट की बात वकील साहब मानते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं।